हेलो दोस्तों, आपका अपना दोस्त अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं 19 साल का हूँ और मैं अपने शहर में अकेला ही रहता हूँ। और एक बार मुझे सिनेमा हॉल में बहुत ही अच्छे अंकल मिले थे, जिसकी कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। मुझे जब एक अंकल मिल गए तो मैं अब बार बार सिनेमा हॉल जाने लगा, इसी उम्मीद में कि कोई अच्छा अंकल मिल जाए। मैं 5-6 बार सिनेमा हॉल जा चुका हूँ पर कोई अंकल नहीं मिले। और एक दो अंकल मेरे तरफ देख भी रहे थे पर मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं थे। अभी पिछले हफ्ते मैं मूवी देखने गया और मैं अभी सिनेमा हॉल के बाहर ही टहल रहा था। मैं ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा अंकल मिल जाए तो उन्हीं के पीछे पीछे उन्हीं के साथ बैठ जाऊंगा। उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि बहुत सारे अंकल लोग आए हुए थे। मेरी नज़र तो एक अंकल पर रुक ही नहीं रही थी, मुझको बहुत आनंद आ रहा था। मैं चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देख रहा था और मैं सोच रहा था कि इनमें से किसी न किसी से तो बात बनेगी। और मैं बारी बारी बहुत अंकल लोगों के नज़रों में देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर कोई अंकल समलैंगिक होते तो उनको नज़र में देखते ही पता चल जाता, नज़रों ही नज़रों में बातें हो ही जाती है। जब मैं अंदर एंट्री कर रहा था तभी मैंने देखा कि दो अंकल भी मेरे साथ एंट्री कर रहे हैं। दोनों अंकल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। उनमें से एक अंकल एक दो बार मेरे तरफ देखे भी। मुझे लगा कि इस अंकल से बात बन सकती है तो मैं पीछे पीछे चला गया। मैं सोच रहा था कि अंकल के बगल में बैठ जाऊँगा फिर अपना कुछ किया जाएगा। हमारे शहर में सीट नंबर से कोई मतलब नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी वो वहाँ बैठ सकता है। तो मैं दोनों अंकल के पीछे पीछे गया और ज़्यादातर सीट भरी हुई थी, एक रो की कुछ सीटें खाली थी। तो मैंने देखा कि वो जो अंकल मेरे तरफ देख रहे थे, ये दूसरे अंकल उनको आगे भेज दिए और खुद इस साइड बैठ गए। अब उस अंकल के उस साइड भी लोग बैठे हुए थे, उसके इधर ये दूसरे वाले अंकल बैठे हुए थे और उसके बगल वाले कुर्सी खाली थी। तो मैंने सोचा कुछ नहीं इससे अच्छा तो कुछ तो हो, तो मैंने यहीं पर बैठ गया। और दोनों अंकल की उम्र 50 से ज़्यादा थी। मैं जब देखा कि वो अंकल उस तरफ बैठ गए हैं और ये दूसरा वाले अंकल इस तरफ, मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब इन्हीं के पास बैठा हूँ तो कुछ करके देखता हूँ। अंकल बैठे बैठे हाथ मेरे चेयर की तरफ रखे हुए थे। ये वो अंकल नहीं थे जो मेरी तरफ देख रहे थे। मैं अनजान बनने का नाटक करके उनके हाथ को टच करने लगा, पर वो अपना हाथ वापस खींच लिए। मुझे लग गया कि ये अंकल इंटरेस्टेड नहीं है। अब मैं कर भी क्या सकता था। तभी इस अंकल का कॉल बजा तो वो बाहर की तरफ चले गए। अब मैं और वो अंकल एक दूसरे को देख रहे थे और अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, अभी तो हम लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे। तब तक वो अंकल वापस आ गए। उस अंकल के आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, पर ये अंकल बीच में आ जा रहे थे, जिसके वजह से हमारी बात तक नहीं हो पा रही थी। मैं अंदर ही अंदर इस अंकल को गाली दे रहा था। इंटरवल हुई तो दोनों अंकल बाहर गए, पर मैं वहीं अपनी सीट पर बैठा रहा। मुझे लगा कि अगर मैं कहीं गया और यहाँ आकर कोई और बैठ गया तो फिर मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं इंतज़ार कर रहा था उस अंकल का। दोनों अंकल आए, मैंने देखा कि जो अंकल मुझे देख रहे थे वो उस अंकल से पहले ही आकर मेरे बगल वाले सीट पर बैठ गए और फिर मूवी शुरू हो गई। मैं मौके की तलाश में था। अंकल जैसे ही अपना हाथ चेयर रखने वाले पर रखे, मैं भी अपना हाथ वहाँ पर ले गया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे का हाथ टच करना शुरू कर दिए। अंकल भी अपना हाथ नहीं हटा रहे थे तो मैंने उनका हाथ सहलाना शुरू कर दिया। अंकल भी मेरा हाथ जोर जोर से दबाने लगे और इससे ज़्यादा हम लोग कर भी क्या सकते थे। अब मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा था और मैं तो अंदर ही अंदर बेचैन था कि अभी तक अंकल से कुछ बात भी नहीं हो पाई है। अंदर ही अंदर मेरा मन कर रहा था कि उस बगल वाले अंकल को पीटना शुरू कर दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता था। मूवी खत्म हो गई, सब लोग उठकर जाने लगे।
तभी अंकल ने चुपके से अपना कार्ड मुझे दे दिया और मैं बाहर निकल गया। दोनों अंकल भी बाहर निकल गए। अंकल मेरे तरफ देखते हुए चले गए। मैंने कार्ड देखा तो उसमें लिखा हुआ था अलंकार ज्वेलर्स और अंकल का नाम भी लिखा हुआ था और नीचे उनका मोबाइल नंबर, दुकान का एड्रेस भी था जो कि मेरे ही शहर का था। अंकल का नाम अशोक था। मैं घर गया और रात को कॉल किया। मैंने बोला, अंकल मैं अनिकेत जो सिनेमा हॉल में मिला था। अंकल बोले कि इतना देर बाद कॉल कर रहे हैं आप, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा था। फिर बहुत देर तक हमारी बातें हुई। अंकल का दुकान मेरे रूम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। अंकल बोलने लगे कि आइए ना कल कहीं बैठकर बातें करते हैं। मैंने बोला, आज ही तो गया था, फिर कल भी जाना पड़ेगा क्या? फिर अंकल बोले कि पैसों की टेंशन आप मत लीजिए, सब मेरा रहेगा। मैं अगले दिन फिर वहाँ पर गया, हम लोग मिले। फिर वो अंकल बोले कि मैं आपको अपने दुकान ले चलता पर वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ होंगे, तो चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं, यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। फिर हम लोग वहाँ से एक पार्क में गए जो कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर था। अंकल बताए कि वो जो आदमी थे वो उनके समधी थे, उनको मूवी देखने का बहुत शौक है, तो मुझे उनके साथ आना पड़ा। हम दोनों ने कुछ देर तक बातें किया और फिर अपने अपने तरफ चले गए। मैं तो चाहता था कि अंकल के साथ कुछ हो, पर सामने वालों को भी देखना पड़ता है, वो अंकल शायद इसके लिए अभी तैयार नहीं थे। अब हम लोग बार बार मिलने लगे, हमारी फ़ोन पर भी खूब बातें होने लगी। मैंने अंकल को बोला कि आप आइए ना मेरे रूम पर, वहीं मिलते हैं। तो अंकल बोले कि नहीं, उस इलाके में भी मुझे बहुत लोग पहचानते हैं, लोग सोचेंगे कि ये किस लिए आया है, अंकल होटल जाते नहीं और होटल में तो मैं भी जाने से बहुत डरता हूँ। जब बहुत दिन हो गए तो अंकल बोले कि अनिकेत अब हम लोग कैसे भी करके मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का समय निकालिए आप। मैंने बोला ठीक है, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ, तो मुझे तो किसी बात का डर था नहीं। अंकल ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन में टिकट बुक कराया। हमारी टिकट A1 कोच में हुई थी जिसमें आप दरवाज़ा भी बंद कर सकते हैं। हम लोग गए और ट्रेन में ही पूरा मस्ती करते हुए गए और दिल्ली पहुँचे। वहाँ फिर हम लोग का 5 घंटे बाद वापस की भी ट्रेन थी, तो हम लोगों ने उस 5 घंटे में थोड़ा बहुत दिल्ली घूमा, फिर वापस हम लोग ट्रेन में आ गए। हम लोग का वापस का भी टिकट A1 में ही था। हम लोग पूरी रास्ते मस्ती करते हुए आए। अंकल को किस करने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने उनका होंठ भी सुझा दिया था। अंकल एकदम खुश हो गए थे और फिर हम लोग वापस घर आ गए। हम लोग का मकसद तो मिलना ही था, हम लोग का मकसद तो दिल्ली घूमना था नहीं, तो हम लोगों ने ट्रेन ही सबसे अच्छा रास्ता ढूंढा। बस दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दीजिए इजाज़त अपने अनिकेत को, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू दोस्तों।